तो आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये हमारे पास ओप्पो का मोबाइल फोन आया है और इस ओप्पो के ये एक ऐसे मोबाइल फोन है जो सिर्फ यूएफआई बॉक्स के माध्यम से ही हो सकते हैं। इनको बाकी कोई सॉफ्टवेयर कोई टूल किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। जब यूएफआई के माध्यम से ही हो सकता है तो कैसे हो सकता है कि हम लोग बिना आईसी को उतारे और मोबाइल फोन को आज अनलॉक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अनलॉक करने वाले। ऐसे मोबाइल फोन के लिए ही इस यूएफआई बॉक्स का जन्म हुआ था और इसी के लिए ये बनाया गया था, इसीलिए फेमस है। इस मोबाइल फोन को अगर आप मार्केट में लॉक खुलवाने के लिए जाएंगे तो 250, 300 या 500 रुपए लिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन कराने पर इसकी 400 रुपए की क्रेडिट लगती है। क्या लगती है? 400 क्रेडिट लगती है। काम करने वाला 500-600 रुपए तक ले लेता है, लेकिन अगर यूएफआई टूल से कराने जाएंगे तब भी वो 400-300 रुपए सिर्फ दुकान वालों के लिए होते हैं, बाकी कस्टमर एंड पे इसका 500-600 रुपए तक का लॉक खोलने का पैसा लिया जाता है। क्योंकि ये कोई भी मोबाइल फोन को डाटा केबल के माध्यम से इसमें सॉफ्टवेयर का काम नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता, उसका मैं सबसे पहली बात रीजन बताता हूँ। इस मोबाइल फोन को जब कंप्यूटर से कनेक्ट कराएंगे तो ये कंप्यूटर से पोर्ट नहीं बनाएगा। अगर मान लिया पोर्ट बना भी लिया तो इसके अंदर तुम्हारा कोई भी डोंगल है, कोई भी अनलॉक टूल है, उसके अंदर इस मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने का फंक्शन ही नहीं हाईलाइट होगा। कि जैसे कोई भी मोबाइल फोन में लॉक तोड़ते हैं तो लॉक तोड़ते समय आप उस फंक्शन पे क्लिक करते हैं, कि जैसे वीवो ले लेते हैं, ओप्पो ले लेते हैं, जैसे लेते नहीं है, ऐसे इसका फंक्शन ही नहीं आएगा। जब फंक्शन ही नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन पर आप देखिए, ये मेरे पास जो मोबाइल फोन आया है, इस मोबाइल फोन में पहली बात पहचाने के फोन कौन सा है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग इमरजेंसी में जाएंगे। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इमरजेंसी में जाने के बाद यहाँ पर *#899#, जैसे हम इसमें प्रेस करेंगे तो एक इंजीनियरिंग मोड खुलेगा। लिखा ना इंजीनियरिंग मोड। इस इंजीनियरिंग मोड के बाद हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे। तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, CPH 1901। क्या लिख क्या रहा है? CPH 1901। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए गूगल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद गूगल में हमको सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा? सबसे पहली बात CPH 1901 GSM अरीना। अब ये ओप्पो A7 खुल के आ गया। क्या खुल के आ गया? ओप्पो A7। हमने गूगल पे डाला, ये देखिए ओप्पो A7 के अंदर प्लेटफॉर्म में गए तो प्लेटफॉर्म के अंदर तुम्हारा ये क्वालिकॉम कंपनी का सीपीयू लगा है। किसका लगा हुआ है? क्वालिकॉम कंपनी का सीपीयू लगा है। उधर से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा सभी लोगों को? ठीक है, तो जब इसमें से क्वालिकॉम कंपनी का सीपीयू लगा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वालिकॉम लिख करके आ रहा है। क्या लिख करके आ रहा है? क्वालिकॉम लिख करके आ रहा है। तो इस मोबाइल फोन को हमको लॉक तोड़ने के लिए डाटा केबल के माध्यम से लॉक नहीं खुलेगा, ये आईसी के माध्यम से लॉक खोला जाएगा। किसके माध्यम से लॉक खोला जाएगा? आईसी के माध्यम से लॉक खोला जाएगा। किसके माध्यम से? मतलब MMC आईसी को हमको खाली करना पड़ेगा। जब खाली करना पड़ेगा तभी लॉक खुलेगा। तो ये क्वालिकॉम लिखा है। चलिए हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? ओप्पो A7 ISP पिन आउट। ये सारी बातें गूगल पे फिट होती हैं। जैसे फिट होती हैं तो गूगल क्या करेगा, एक फोटो खोल के दिखा देगा। क्या खोल के दिखा देगा? एक फोटो। अब हमको ये गूगल ये कह रहा है कि भाई देखो, आप इस फोटो के हिसाब से आप जम्पर लगा लीजिए और जम्पर लगाने के बाद मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे, मोबाइल फोन कनेक्ट कराने के बाद फिर लॉक खुलेगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, यूएफआई बॉक्स सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। इस यूएफआई बॉक्स सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होने के लिए हमको ये वाला जो तरीका है, ये तो आईसी वाला है। इसमें हमने आईसी लेना है, आईसी को रिवोल्व करके इसके अंदर लगा देना है। ये तो बहुत आसान है, उससे भी आसान है। लेकिन अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो आज हम जम्पर वाला तरीका समझने वाले हैं। जम्पर वाले में काम करने के लिए हमारे पास TMS अडेप्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये देखिए, ये किस तरीके से TMS अडेप्टर आता है। इस TMS अडेप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पहले जम्पर लगाएंगे, फिर उस जम्पर को इस मोबाइल फोन के अंदर लगाएंगे। जब मोबाइल फोन के अंदर लगाएंगे तब हमारा काम होगा, नहीं तो काम हमारा नहीं होगा। अब देखिए कैसे जम्पर लगाएंगे, जम्पर के माध्यम से इसको कनेक्ट कैसे कराएंगे, उसका मैं एक एक करके प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जम्पर करने के लिए फोन में लॉक लगा, ये तो सबको दिख रहा है ना, ठीक है ना। अब इस मोबाइल फोन को खाली करना है, लॉक तोड़ना है, फॉर्मेट करना है। अगर देखिए, इस मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने के लिए आप देखेंगे, इस फोन को हमने बंद किया, क्या किया?
बन गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन या पावर बटन, अगर वॉल्यूम डाउन या पावर बटन दबाएंगे उसके माध्यम से भी हम इसको रिकवरी मोड में ले जा सकते हैं। किस में ले जा सकते हैं, रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में जाकर के जब हम फोन को फॉर्मेट करेंगे तो ये फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांगेगा। देखिए जैसे इंग्लिश आ रहा है वाइप डाटा, देखो फॉर्मेट भी नहीं होने दे रहा है। तो अब इसका मतलब है एक यही लास्ट तरीका बचा हुआ है। ठीक है, हमारे सारे तरीके फेल हो गए, हम लोग इसको आईसी को रीड करेंगे। पहले से ये देखना पड़ेगा अगर फॉर्मेट वाइप डाटा हो जाए तो लोगों को टूट जाए। हाँ हाँ, अब देखिए सबसे पहली बार फोन को हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, पावर ऑफ करेंगे। फोन को बंद कर लिया, फोन को बंद करने के बाद हम लोग सबसे पहली बार इसका सिम ट्रे बाहर निकाल लेंगे और ऑन तो हो जाएगा, इसको डाइवर दीजिए। मैं पूरा बोर्ड खोल के माइक्रोस्कोप पे दिखाता हूँ, सबको वॉच कराता हूँ। ठीक है, और ऐसे मोबाइल फोन में जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर करते समय 1% के लिए डेड रिस्क बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया 1% के लिए मोबाइल फोन तुम्हारा बंद हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट आईसी पे काम करने वाले हो। इस पे काम करने वाले हो, आईसी पे, आईसी लेवल का काम। हाँ, हमने इसको खोल लिया, पूरा पीछे का बैक पैनल बाहर कर लिया। बैक पैनल बाहर करने के बाद इसकी बैटरी हमने रिमूव करी। बैटरी रिमूव करने के बाद बाहर किया, पूरा बोर्ड बाहर हुआ। एक चिमटी दे दीजिए। ये सब काम करते समय आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए और इस माइक्रो लेवल के काम करने के लिए आपके पास थोड़ा सा माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए। क्योंकि अभी हम जो जंपर लगाने वाले हैं तो आप लोग भी देखेंगे कि वाकई में जंपर ये बारीक होते हैं। सबसे पहली बात हमको इसमें से ये देखना पड़ेगा कि इसके जो पॉइंट दिए वो कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, उस पॉइंट को देखने के लिए चलिए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और इस पॉइंटों को क्या करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। देखो अगर इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये देखो जाली लगी है ना, इस जब मैं जाली को काटूंगा तो जाली को काटने के बाद उसके बाद हमको ये पॉइंट निकल कर आएंगे नीचे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो सिल्वर सी जाली है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर ये पॉलिश कंपनी लगा देती है ताकि ये ढका रहे, सेफ्टी रहती है। ये जाली को आप लोग फेंकेंगे नहीं, इसको उतार के रख लेंगे। इससे क्या होगा, कभी कल को कोई प्लास्टिक वाला कनेक्टर कोई भी चीज़ अगर आप उतारते हैं तो उतारने के बाद इसको लगा लेंगे तो इससे क्या होगा, वो कनेक्टर जलेगा नहीं। ये हीटिंग टेप ही होता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका सीपीयू आईसी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ से हमको जाली को क्या करना पड़ेगा, इधर से कट करना पड़ेगा, इधर से कट करना पड़ेगा। जब इधर से कट करेंगे तो नीचे के कंपोनेंट खुलेंगे, जब नीचे के कंपोनेंट खुलेंगे तभी जंपर मार करके वो बाहर निकलेगा। समझे बात कि नहीं समझे, है ना। हम ये जाली क्यों काट रहे हैं,
क्योंकि हमको नीचे पॉइंट में क्या करना है, जंपर लगाना है। जब जंपर लगाएंगे तभी हम लोग होल्ड हो पाएंगे, तभी हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। बिना जंपर लगाए ना तो हम कनेक्ट हो सकते हैं ना होल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। इसके लिए जो टेप लगा है, इस टेप को हमको हटाना पड़ेगा पहले। हम एमएमसी के उन पॉइंटों से कनेक्ट होने वाले हैं जिसके माध्यम से हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। कटर दीजिए, किसी पर कटर है? अब इसको कटर से क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से जाली कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इधर से कट करेंगे। जैसे इधर इधर से कट करेंगे तो हमारे पॉइंट निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उनसे जंपर मार करके टीएमएस अडैप्टर से लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डाटा क्लॉक सीएमडी और वीसीसी क्यू इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग डाटा केबल भी लगा देते हैं। डाटा केबल इसलिए लगा देते हैं ताकि अगर मान लिया सप्लाई कम पड़ रही हो तो चार्जिंग से और सप्लाई मिल जाएगी, जिससे हमारी एमएमसी आईसी ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, जाली को कट करेंगे। जाली बहुत आहिस्ते से कट करना है क्योंकि जाली के नीचे जो कंपोनेंट लगे हैं उन चीजों का ध्यान रखना है। क्या करना है? उन चीजों को ये ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट नहीं खराब होने चाहिए। ये नहीं कि आप जाली कट करने जगह से कंपोनेंट ही सब उखाड़ मारे, इससे क्या होगा, आंसर डेड हो जाएगा। यहीं पर तो बहुत नाजुक सिचुएशन होती है, यहीं पर हमारे मोबाइल फोन में तो डेड रिस्क होता है। इसीलिए डेड रिस्क बोलते हैं। देखिए अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये पॉइंट निकल करके आ गए, पॉइंट निकल के आ गए। इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा सीएलके का है। किसका है? सीएलके का है। ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा सीएमडी का है। अब इसमें डाटा के लिए देखो छोटा सा नीचे प्रिंट है, क्या है? इस प्रिंट से हमको जंपर निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हमको वीसीसी वीसीसी क्यू डालना पड़ेगा, तब हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलिए, गूगल खोलने के बाद इसका फोटो खोलिए ताकि आप ये हमको बता सकें कि सर आप गलत जंपर तो नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो डाटा का पॉइंट है ना, यहाँ पर इस पॉइंट को हमको ब्लेड से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्रैच करना पड़ेगा।
सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कोई चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमको इस पॉइंट को स्क्रैच करना पड़ेगा। इस पॉइंट को स्क्रैच करने के लिए सर्जिकल ब्लेड दीजिए। जगह नहीं है, बहुत महीन सी जगह है। देखो अब देखिए वहां पर देखेंगे तो मैं इस जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को स्क्रैच कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कई बार ऐसा तो ये भी बोलता है कि सीपीयू में छेद करो, तो वहां पर सीपीयू में भी स्क्रैच करना पड़ता है। यहाँ पर ब्लेड बिल्कुल धारदार होना चाहिए। देखो देखो ट्रैक निकला है कि नहीं निकला है? निकला है ना? ये ब्रश दीजिए। नहीं ग्लू रिमूव नहीं चाहिए। देखो दिख रहा है? ऐसे दिखता जैसे करवा चौथ में चांद नहीं दिखता, कुछ छोड़ा था ऐसे ही। ये सब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है जो शादी शुदा लोग होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, स्क्रैच करके साफ कर लिया। साफ करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट दीजिए, पेस्ट। हाँ ये टिप है, ये टिप है। हाँ वीसीसी पॉइंट मतलब बाहर नहीं आया, ये डाटा पॉइंट है। ये डाटा है, ये सीएमडी है ना, और ये सीएलके सेल के। देखो ये जो पॉइंट है इस पे हम लोग क्या करेंगे, सीएलके यहाँ पर लगाएंगे सीएमडी, और यहाँ लगाएंगे डाटा, और ये दिख रहा ये है, अब बाकी यूएसबी सप्लाई दे देंगे। देख सप्लाई यूएसबी से ले लेगा, ठीक है। कहाँ पर है
दो के बाद तीसरा है ना, वो तो वो दो कंपोनेंट नीचे छुपे हुए हैं। देखो दो ऐसे टेढ़े टेढ़े लगे उसके बाद में ये तो है ना, दो ऐसे लगे उसके बाद में ये, देखो ये पॉइंट है उसके बाद फिर दो फिर तीसरा, ऐसे ही है ना, सही है ना। पेस्ट का है, पेस्ट ये नहीं, ये तो पीपीडी है। हम लोग क्या करेंगे वहां पर हल्का था, पहले पेस्ट लगाएंगे। लग गया हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हल्का सा पीपीटी को लगाएंगे। दुख लग गया, हल्का सा करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जंपर लग गया। जब भाई देखो, जब रांगा लगेगा तो रांगा के बाद ही वहां पर जंपर पकड़ेगा, नहीं तो जंपर नहीं पकड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको कितने जंपर लगाने पड़ेंगे, पांच छह जंपर लगाने पड़ेंगे एक ग्राउंड से। तो ये जंपर जो हम लगा रहे हैं वो किसका जंपर लगा रहे हैं, ये डाटा का, डाटा का। और जंपर लगाते समय ध्यान रखना, सिर्फ उसी पे जंपर टच होना चाहिए, दूसरे पे नहीं टच होना चाहिए। ऐसे ठीक है, लग गया जंपर। यहाँ पर जंपर में आपका हाथ इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपने रखा नहीं, जंपर लग गया। यही टाइमिंग है आयरन चलाने की, जंपर रखने की, पेस्ट यूज करने की, शोल्डर यूज करने की। यहाँ पर शोल्डर इतनी जगह नहीं है कि आयरन जाने की जगह नहीं है, और वहां पर देखिए जंपर कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अब हमको जंपर लगाना है इस रजिस्टर पे, और यहाँ पर आपको आयरन बहुत देर तक नहीं रखना, क्योंकि बहुत देर तक आयरन रखेंगे तो ये रजिस्टर निकल के खुद ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि रजिस्टर बहुत छोटा है। जो नॉर्मल रजिस्टर से भी चौथाई हिस्सा है, तो आप आयरन रखते ही समझ लीजिए रजिस्टर बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है,
इस पे पेस्ट लगाया, रंगा लगाया, टच करके हटाया, नहीं वही रंगा या पिघला नहीं उतनी देर में लग जाना चाहिए। और तुमने सोचा कि लाओ काफी देर तक रखे रहे, तो रखे रखे वो भी बाहर आ जाएगा, आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा, फिर आपको इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इस रेजिस्टेंस में होता क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये सीपीयू के माध्यम से जो सप्लाई यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए रेजिस्टेंस पे गई, और रेजिस्टेंस से होते हुए सीपीयू एमएमसी के अंदर घुस गई। तो हम क्या करेंगे, एमएमसी के अंदर तो नहीं कर सकते, तो जो पॉइंट ये बाहर निकला हुआ है हम इसी पॉइंट से क्या हो जाएंगे, जम्पर मार के कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे हम क्या एमएमसी के अंदर घुस गए। समझे ना मेरी बात को, कि आपका डाटा सीएमडी कैसे काम कर रहा है। हाँ मार दिया, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जंपर लेंगे। अब वो दूसरा जंपर किसका लगाएंगे, लग गया। जम्पर को थोड़ा सा टच करके भी देख लो, हाँ ये नहीं कि आपने किया और बाद में दूसरी समय, क्योंकि अभी बोर्ड तुम्हारा हिलेगा डुलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हिलने डुलने में जम्पर खुल जाते हैं, फिर आपको लगाना पड़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कंपोनेंट को प्रोटेक्शन बना के रखना है, क्या बना के रखना है, हाँ कि कंपोनेंट नहीं उखड़ना चाहिए। ये तो हमने सीएमडी का लगाया, अब हमको किसका लगाना है, सीएलके का। लग गया था जम्पर, बिल्कुल उसकी जड़ पे लगाना होता है, ऊपर नहीं लगाना होता है, क्योंकि जड़ पे ही रांगा भरा होता है ना, तो जैसे जम्पर रांगा से रांगा घुसेगा तो बिल्कुल अंदर छुप जाता है, मतलब रांगा उसको आपस में ऐसे जगड़ लेता है। तो ये किसका हो गया, सीएलके का। अब हमको एक लगाना है जम्पर वीसीसी क्यू का, किसका लगाना है, वीसीसी क्यू का। नहीं वीसीसी लगाए, क्योंकि वीसीसी क्यू में ज्यादा वोल्टेज होता है, तो हम लोग ज्यादा वोल्टेज दे देंगे, फिर बाकी हम लोग डाटा केबल से सप्लाई दे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कई फोनों में ऐसा होता है वीसीसी वीसीसी क्यों नहीं होता, तो जिसमें नहीं होता तो फिर डाटा केबल से ही लेता है वो, चार जम्पर लगाना पड़ता, ग्राउंड डाटा सीएमडी खेल के। अब हम जो जम्पर लगाने वाले हैं, ये किसका लगाने वाले हैं, वीसीसी क्यू का। वीसीसी को जम्पर कहाँ लगेगा, इस कैपेसिटर पे लगेगा। इतनी देर में क्या आप तीन चार एमएमसी नहीं रिवॉल्व कर चुके होते, इतना देर टका लगा मैंने। Thank you.
थोड़ा काट ठीक है। अब हमको क्या करने पड़ेंगे, ये जितने ही सारे जंपर जो हमने लगाए, अब इसमें से एक और जंपर लगाना ग्राउंड का, किसका लगाना है? तो ये सारे जंपर उठा करके हमको टीएमएस एडाप्टर पे जोड़ने पड़ेंगे। किस में जोड़ने पड़ेंगे? टीएमएस एडाप्टर पे। इसी जंपर को जो हम लोग टीएमएस एडाप्टर पे जोड़ेंगे तो टीएमएस एडाप्टर क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा? एक हमको केबल दीजिए, V8 की केबल दीजिए। बीसीसी की लाइन नहीं है क्या सर इसमें? अब देखो ये हमारा, देखो टीएमएस एडाप्टर आता है। इस टीएमएस एडाप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो वीसीसी, अब ये सारे पॉइंट हमको क्या करने हैं, इसमें जोड़ने हैं। क्या करने हैं? क्योंकि जब सारे पॉइंट इसमें जुड़ जाएंगे, फिर सारे पॉइंट जोड़ने के बाद फिर हमको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। सिर्फ हमको क्या करना है, सिंपली उस जंपर को वहां उठाना है। वहां उठाने के बाद उस जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्सों पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। वो बता दे पहले,
अब जम्पर मारने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से यूफाई से कनेक्ट करेंगे। यूफाई में कनेक्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे। इधर देखिए सब लोग, ये हमने जम्पर लगा दिए जो दिखा रहे हैं, इसमें से मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम डाटा केबल ले लेंगे, यो फाइव बॉक्स पर लगाइए, उधर ही लगा दीजिए। अच्छा तो लगाइए, तो लगाइए उधर केबल, उधर से निकलो। दोनों काम करता है कि नहीं करता, लगाओ। ये केबल ओरिजिनल है ना, ये ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपने प्लेट में जम्पर लगाया है, मकड़ी के जाल की तरह बना दिया है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बोर्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोर्ड में कनेक्ट करना बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद एंटीना का भी कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, डाटा केबल लगाना पड़ेगा, और ये जो केबल है ना, ये जम्पर वाला जो हमने लगा रखा है, इसको अपने यो फाइव बॉक्स में जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे पकड़ो, दबा के रखो वहां। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एमएमसी टूल खोलेंगे। क्या खोलेंगे, Thank you.
जाना डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, जैसे आइडेंटिफाई करना, तो सॉफ्टवेयर पूरा रीड करेगा। देखो सॉफ्टवेयर रीड कर लिया, बता रहा ना A7 लिख के आ रहा है। देखो इधर ओप्पो A7 लिख के आ रहा है। अब आपको क्या करना, दिखाई दे रहा है ना वीडियो में सभी को। उसके बाद अब आपको हमको क्या करना, यूजर एरिया पार्ट में जाना है। कहाँ जाना है, यूजर एरिया पार्ट में गए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है स्पेशल टास्क, ओप्पो मास्टर क्लियर, वाइप डाटा, आईसी खाली। क्लियर, आईसी खाली हो गई। अच्छा, वो आइडेंटिफाई करने से हमको ये पता चल गया कि हमारी आईसी कनेक्ट हो गई। अगर आप इसमें FRB तोड़ना चाहते हो, स्पेशल टास्क में जाइए, वरना FRB वहां से भी टूट जाएगा। क्लियर है FRB लॉक, डन, खत्म, टूट गया लॉक। अब फिर से इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, स्विच ऑफ करके हम लोग आईसी से रीड कर रहे हैं डायरेक्ट। हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हटाया, पूरा बंद करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी जितने जंपर आपने लगाए हैं उतने जंपर वन बाय वन करके हटाएंगे भी, और जंपर को खींचे ना, खींचने से क्या हो जाएगा, कंपोनेंट भी उखाड़ लाएंगे। अब देखो इधर, ये सारे जंपर लगाने के बाद फिर हम लोग देख लेंगे कोई कंपोनेंट में कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, ये सब लोग हम देख लेंगे। अब बोर्ड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब बोर्ड इसमें कनेक्ट करने की जरूरत है। ये समझ लीजिए, आप मोटी भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि आईसी को खाली करना। अब इस कंडीशन से आप चोरी के मोबाइल फोन को भी कर सकते हो, तब भी कोई वेरिफिकेशन नहीं जाए, क्योंकि ऑफलाइन काम करता है। क्या काम करता है, चोरी के मोबाइल कर देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, चालू हो गया मोबाइल फोन, ऑन हो गया, अभी देखना अपने मन से इसमें वाइप डाटा का ऑप्शन आएगा। देखो वाइप डाटा हो गया, पहले वाइप डाटा करते समय पासवर्ड मांग रहा था, फोन फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट को किसने किया, UFI ने किया। जैसे हम मोबाइल फोन ऑन करेंगे तो मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, मोबाइल फोन फॉर्मेट होते ही आपका मोरा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और जो ऑनलाइन में जुड़े वो भी इससे जुड़ जाएगा, इसमें ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, सीधे MMC को खाली करता है। इसमें IBAN नंबर नहीं जाते हैं, नहीं कुछ नहीं जाएगा, MMC को खाली करता। ये मोबाइल फोन में अनलॉकिंग के पर्पस पे सिर्फ लास्ट तरीका है, इससे तो होगा ही होगा, इससे भी नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। वो तो हमको कनेक्ट करने के तरीके कि या तो हम ISP से कनेक्ट हो जाएं, ISP से कनेक्ट होने से हमको IC उखाड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी IC पेस्टेड थी, और
जंपर मान सिंगर ने ठोके। भाई जो सॉफ्टवेयर यूएसबी के माध्यम से जा रहा था वही सॉफ्टवेयर हम लोग डायरेक्ट चले गए। आईसी खुल के जब बनाएंगे उस टाइम भी नहीं सेम यही, लेकिन उस समय आईसी खोलना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। डेड रिस्क इसमें थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी रहता है, कम डेड रिस्क है। ऐसे कोई भी ये इस बात को जानता ही नहीं, चाहे ओप्पो A7 लगाओ, चाहे सैमसंग लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। इसको सिर्फ MMC चाहिए, कोई भी मोबाइल फोन लगा दो, नहीं सिर्फ इसको MMC चाहिए। अगर वहां पर A7 लिख के आता था, A3S लिख करके आता, Vivo लिख करके आता, उसको रीड करता, खाली करता, खाली करते लाख खोल ही जाता। ये भी बता देता है कौन से मोबाइल की MMC कब लगाया। हाँ वो वहां पर डिटेल नहीं लिखा था, जैसे ओप्पो A7 लिख के आए। आइडेंटिफाई करने से हम लोगों ने क्या किया, वो आईसी से कनेक्ट हुआ, मतलब सॉफ्टवेयर ने आईसी को अपने अंदर कनेक्ट कर लिया। जब आईसी को अपने अंदर कनेक्ट कर लेगा तभी तो उसको फॉर्मेट कर पाएगा, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करेगा तो फॉर्मेट नहीं कर। अब देखिए यहाँ पर मैं तुमको जैसे मान लिया मोबाइल फोन आया, ये मोबाइल फोन है, ये 9.0 से नीचे का मोबाइल फोन है। अगर इस मोबाइल फोन में FRP लॉक लग गया, क्या लग गया, तो इसके लिए कोड हमारा बना था। कौन सा कोड बना था, *#813#, उसके बाद कॉलिंग करेंगे, FRP छू मंत्र गायब हो जाएगी। आ गया होम स्क्रीन, वहां से बैठा दिए, कोड से भी हट गई FRP। ये देखो मोबाइल फोन में लॉक खुल गया कि नहीं खुल गया, खुल गया ना। तो इस तरीके से कोई भी मोबाइल फोन आता है, चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन हो, आप ISP पिन आउट के माध्यम से उस मोबाइल फोन की अनलॉकिंग कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है ना।